इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। यह वीडियो है क्लास टेंथ वाले बउआ सब के लिए। बहुत ही VVI प्रश्न लेकर आ गए हैं हम आपके लिए। अगर ये समीकरण आप सीखते हैं तो ज्ञान तो अच्छा मिलेगा, प्लस में आपको नंबर भी मिलेगा 5। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के रूप में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड लेवल में। तो आइए देखते हैं कैसे आसानी से ट्रिक के साथ इस तरह के प्रश्नों को बनाते हैं। देखो, 4/x + 10/y का वैल्यू 2 होना चाहिए, 3/x + 2/y का वैल्यू 19/20 होना चाहिए। इस तरह से x और y का मान बताना है कि क्या होगा x और क्या होगा y। आप देखिएगा तो समीकरण 1 में है 10/y या समीकरण 2 में है 2/y। अगर यहां भी किसी तरह से 10/y हो जाए तो ये कट जाएगा, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर y वाला टर्म कट जाएगा और x आपका निकल जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि यहां तो 10/y है, यहां 10/y कैसे होगा। तो वेरी सिंपल, आप समीकरण 2 में 5 से गुना कर दीजिए। समीकरण 2 में क्या करिए, 5 से गुना कर दीजिए। तो करिए 5 × 15/x + 5 × 10/y = 5×20 कर जाएगा तो यहाँ पर 19/4। अब ये समीकरण हुआ 1, 2 के बाद 3। अब आप देखिए समीकरण 1 में भी 10/y है और समीकरण 3 में भी 10/y है। अब अगर समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाइएगा तो y वाला टर्म कट जाएगा, y वाला पद खत्म हो जाएगा और x आपका आराम से निकल जाएगा। चलिए तो हम क्या अगला दांव पेच लगाने वाले हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाएंगे ताकि 10/y में से 10/y घट जाए, y वाला टर्म कट जाए, x निकल जाए। तो चलिए भैया, समीकरण एक में से माइनस होगा समीकरण 3। अब LHS पार्ट में से LHS पार्ट पहले घटाइए तो 4/x + 10/y - 15/x - 10/y, ये LHS में से LHS घट गया। अब RHS है 2, वो में से घटेगा 19/4। चलिए अब इसको सॉल्व करके जल्दी जल्दी काम तमाम ख़त्म करते हैं। 10/y - 10/y + कट गया। अब x और x का LCM लोगे बुआ तो x मिलेगा, यहाँ पे 4, अब माइनस में कितना तो 15, एंड बराबर के बाद यहाँ बटा में कुछ नहीं तो 1, 1 और 4 का लघुत्तम तो 4 होगा, एंड 1 × 4 तो 2 × 8 माइनस 4 × 4 तो 19 × 19। अब 4 में से जब 15 घटेगा बुआ तो क्या मिलेगा, माइनस में 11 मिलेगा, बटा में x बराबर 8 में से जब 19 घटेगा तो यहां भी माइनस में 11 और बटा में 4। ये माइनस से आपका माइनस कट गया एंड 11 से 11 भी कट गया एक बार में। क्रॉस गुना करेंगे x में 1 से तो x मिलेगा, एंड यहां भी 1 है, 1 में 4 से गुना होगा तो 4, तो x का वैल्यू आपका आराम से निकल गया। अब x का मान आप समीकरण 1 में भी बैठा सकते हैं, 2 में भी बैठा सकते हैं, जहां से मर्जी वहां से निकाल लीजिए। चलिए तो हम समीकरण 1 से निकाल कर बताते हैं। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 क्या है बुआ, 4/x + 10/y = देकर कितना तो 2। अब इसमें x का वैल्यू कितना है देख लीजिए, x का वैल्यू है 4, तो x के जगह 4 बैठा दीजिए, x के जगह 4 बैठा दीजिए, तो 4/4 x का वैल्यू 4 बैठा दिए प्लस 10/y एंड बराबर के बाद कितना तो 2। 4 में 4 से भाग देंगे एक बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर है 10/y बराबर ये 2 उतारते हैं एंड प्लस 1 उधर गया बुआ तो माइनस 1 हो गया। चलिए अब इधर लिखते हैं, 10/y मैंने लिख दिया और 2 में से 1 घट गया तो 1 ही होगा और बटा में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस क्रॉस गुना कर लीजिए, y में 1 से तो y एंड 10 में 1 से तो 10। इस तरह से आपका x बराबर भी निकल गया, x बराबर अभी निकल गया ना, x बराबर तो पहले ही आ चुका, x बराबर निकल गया बुआ 4 एंड y बराबर निकल गया 10, आंसर हो गया। आप चाहे तो आप टेस्ट भी कर सकते हैं अपने आंसर का कि भाई मैंने जो मैथ बनाया वो सही हुआ कि नहीं। तो चलिए टेस्ट सीखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 4/x + 10/y इसका वैल्यू कितना आना चाहिए तो 2 आना चाहिए, निकाल कर देखते हैं, अगर 2 आएगा तो आंसर सही माना जाएगा। 4/x
प्लस 10 बटा वाई का वैल्यू निकालना है, 2 आएगा तो सही हो जाएगा। 4 बटा एक्स का मान 4 आया है तो यहाँ 4 डाल दीजिए, प्लस 10 बटा वाई का मान 10 आया तो 10 डाल दीजिए, 4 से 4 एक बार में कटा, 10 से 10 एक बार में कटा, इस तरह से आपको आ गया 1 प्लस 1 मतलब कितना हुआ 2, और यहाँ पर 2 ही तो लाना था, यहाँ 2 ही तो लाना था, इसका मतलब ये मैथ करेक्ट है, सही है। तो इसी तरह से ट्रिक के साथ वीडियो को देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज। इस पर आपको VVI प्रश्न की तैयारी करवाई जा रही है, जिससे आप तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। थैंक यू सो मच।